कोरिया जिले के चिरमिरी स्थित शासकीय लाहिणी महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आरती तिवारी को उच्च शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। अनियमितता और 50,000 पुस्तकों की चोरी के मामले में यह कार्रवाई किए जाने की खबर है। निलंबन काल में उनका मुख्यालय शासकीय नवीन महाविद्यालय कोरिया में रखा गया है। 17 मई के आसपास चिरमिरी में लाहिणी कॉलेज का ग्रिल तोड़कर 50,000 पुस्तकों की चोरी करने की घटना को अज्ञात तत्वों ने अंजाम दिया था। कॉलेज के लाइब्रेरियन के द्वारा 26 मई को मामले की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस थाना में दर्ज कराई गई थी। घटनाक्रम को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने कई प्रकार के सवाल खड़े किए थे। अब इस मामले में सरकार के द्वारा प्राचार्य को निलंबित कर देने के बाद विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने निशाना साधा है। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्राचार्य को संरक्षण दिया गया, इसलिए मौजूदा कार्रवाई को गलत बताने के लिए संबंधित लोगों को बयान देना चाहिए। 50,000 किताबों की चोरी का जो मामला है, जो बड़ा मामला विपक्ष ने उठाया था, ये बयान आना चाहिए कि ये जो कार्रवाई हुई है और ये जो जांच हो रही है और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये कार्रवाई गलत हुई है, ये बयान दें, जिसमें चिरमिरी के जो छात्र हैं, लाहिणी कॉलेज के जो छात्र हैं, उनको भी ये पता चले कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये जो कॉलेज है, किस तरह से भर्राशाही और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। आज सारा चिरमिरी और सारे महाविद्यालय से जुड़ा हुआ परिवार, पूरे छात्र छात्रा इस बात की खुशी मना रहे हैं। और तो और भारतीय जनता पार्टी के भी जो नेता हैं, मुझे फोन करके बधाई दे रहे हैं कि आपने एक बड़ा काम किया है, अब चिरमिरी का जो लाहिणी महाविद्यालय है वाकई अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। शासकीय लाहिणी महाविद्यालय से 50,000 पुस्तकों की चोरी के मामले में सरकार ने प्राचार्य डॉक्टर आरती तिवारी को जरूर निलंबित कर दिया है, लेकिन इस घटना से जुड़े चोरों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। देखना होगा कि चिरमिरी पुलिस इस मामले में कब तक आरोपियों को पकड़ पाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कोरिया से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।